बजट तो बाद लगातार विरोधी धरों वालों केंद्र सरकार नूं घेरिया जा रहा है। अज संसद के बाहर इंडिया गठजोड़ के वलों वड्डा रोस प्रदर्शन किया गया, जम के इंडिया गठजोड़ के संसद मैंबर ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। कई सूबे नाल वितकरा करन दे इल्जाम ने जिहड़े ओह केंद्र उत्ते लगाए गए। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने कहा कि केंद्र सरकार ने सारा बजट बिहार अते आंध्र प्रदेश नूं लुटा दिता है अते पंजाब वर्गे सूबे नाल वितकरा है जिहड़ा ओह कीता जा रहा है। दूजे पासे महाराष्ट्र तो शिवसेना UBT के नेतावां दे वल्लों भी वड्डे सवाल इस बजट नूं लैके चुके गए अते UP दे समाजवादी पार्टी दे वड्डे नेता अखिलेश यादव दे वल्लों भी UP नूं लैके वड्डे सवाल ने जिहड़े ओह बजट उत्ते चुके गए अते UP दे हड़ां नूं लैके बजट उत्ते वड्डे सवाल ने जिहड़े अखिलेश यादव ने चुके ने। तां पूरे मामले बारे की कहना है शिवसेना UBT कांग्रेस अते समाजवादी पार्टी दे नेतावां दा, आओ देखते हाँ। टोटली इग्नोर किया गया है और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से जैसे मैंने कल कहा था प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, हर एक रुपया जो जाता है केंद्र के पास उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया और बाकी सारे राज्यों में भी चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया अरे सबको कुछ नहीं दिया है। देखिए हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार बजट आया और बजट के विच पंजाब को अनदेखा किया गया, असी आपके हकों की लड़ाई वास्ते और पंजाब के वास्ते अज असी प्रोटेस्ट किया है। पूरे का पूरा बजट आंध्र प्रदेश और बिहार को लुटा दिता गया क्योंकि अलायंस पार्टनर है, अगर उन्होंने इग्नोर किया गया तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन पंजाब के नाल बॉर्डरिंग स्टेट है, फ्लड आया पंजाब के अंदर पिछली बारी, हजारा एकड़ फसल तबाह होगी, 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ईवन की कई स्टेटा इन्होंने कहा कि फ्लड असिस्टेंस असी देंगे लेकिन पंजाब को उस पक्षों भी इग्नोर किया गया। मैं लगता कितने ना कितने पंजाब के लोग और पंजाब के किसान और पंजाब के व्यापारी देश के प्रधानमंत्री की अख में रड़कते हैं। इस करके उन्होंने पंजाब के नाल इस तरह का विचरा किया क्योंकि एक भी सीट 26 साल बाद पंजाब ने BJP को नहीं दी। सो इस करके केरला के नाल विचरा होया जिथे जिथे एक भी सीट BJP नहीं आई उथे टोटली इग्नोर पंजाब के स्टेट्स को किया गया। सो इस करके असी तमाम जड़े MP साहबाना ने असी अज प्रोटेस्ट किया।